एनडीए गठबंधन में दबाव की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार के सामने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 7 बड़ी मांगों की पेशकश की है। दरअसल गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर चंद्रबाबू नायडू ने विशेष पैकेज समेत 7 मांगे रखी। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कौन सी हैं वे 7 मांगे। कम समय में राज्य के वित्त को संभालना, पोलावरम राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के लिए सहायता, राजधानी अमरावती के बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता, औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन, सड़क पुल सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त मदद, राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को बुंदेलखंड पैकेज की तर्ज पर सहायता, दुग्गी राजूपट्टनम बंदरगाह के विकास के लिए सहायता। हालांकि आपको बता दें कि राज्य की इन मांगों के अलावा भी नायडू बीजेपी से कई और बड़ी मांगे भी पूरी करवा सकते हैं, जिसमें सबसे जरूरी और अहम मांग है डिप्टी स्पीकर का पद। सूत्र बताते हैं जो सरकारी मांग है वो 7 मांगे हैं वो अलग है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू एनडीए सरकार में जब से वो आए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मंत्रालय डिमांड नहीं किया, उनको 2 मंत्रालय मिला है, लेकिन वो चाहते हैं कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद उनकी पार्टी टीडीपी को दिया जाए। हालांकि औपचारिक तौर पे बातचीत में टीडीपी की तरफ से बाहर में मीडिया के सामने इस तरह का कोई दावा नहीं किया गया है, लेकिन हाँ सूत्र ये बताते हैं कि वो डिप्टी स्पीकर का पद लोकसभा में चाहते हैं और इस बाबत उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और उनसे अपनी मांग रखी है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, News24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।